एक प्रश्न है, सात स्टेजेस आत्मा का जो बताया जाता है, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, आत्माभिमानी बनो, बिंदु स्वरूप स्थिति, निराकार स्थिति, परिस्ता स्वरूप, विदेही स्थिति, इनमें क्या अंतर है, इनका कैसा अभ्यास करें? पहले बताता, पांच नाम बाबा के मुरली में आते हैं, अशरीरी, विदेही, आत्माभिमानी, अव्यक्त बनो, बिंदु बनो। ये सब पांचों नाम एक ही है, बिंदु आत्मा, अशरीर शरीर नहीं है आत्मा, विदेही देह नहीं आत्मा, अव्यक्त व्यक्त नहीं अव्यक्त। ये सब एक एक जगह एक एक बाबा ने नाम लिया। तो इन सभी का आत्म अभिमानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना कैसे होना, उसकी विधि बताए। सिर्फ मैं आत्मा हूं कहते माता जी मुझे दिखाई देती है, लेकिन माता जी कौन है, माता जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, पता चले माता जी कौन है। मैं आत्मा हूं पता है, कौन सी आत्मा, देवात्मा, महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, कौन सी आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। तो पांच प्रश्नों का चिंतन करते हो, कम से कम पांच मिनट आत्मा का चिंतन करते हो, आत्मिक स्वरूप निश्चित हो, फिर शिव बाबा को याद करो, ठीक है। और बैठ करके अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। फिर मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। आज योग नहीं करना, ये चिंतन करके दिखा देखो कि आपके मन और बुद्धि में दूसरे विचार नहीं आए, ये करके देखना। आज इसका रिजल्ट बाद में बताना। तीसरा, मेरे गुण, मेरे सात गुण है, एक एक गुण याद दिलाओ। मैं जब परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसा मुझे बताओ। जब मैं परम धाम से आया था कितना शांत शीतल था, ऐसे मुझे बनना। जब मैं परम धाम से धरती पर आया कितना सुख स्वरूप था, जब मैं परम धाम से आया शिव बाबा ने मुझे कितनी शक्ति दी थी, सहन करने की, समाने की, सर शक्ति थी मेरे पास, अभी कुछ नहीं, अभी मुझे फिर परम धाम जाना है बाबा से शक्ति लेने। मैं मेरे पास कितना ज्ञान था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा का और संतुष्ट आत्मा का, कोई इच्छा नहीं थी ये चाहिए ये चाहिए, भरपूर मैं भगवान का बच्चा और आनंद स्वरूप आत्मा। ये सात गुण, एक एक गुण अपने आप को धीरे से धीरे पढ़ाओ, बात करते रहो अपने आप से। फिर मैं कहां से आया, फिर मेरा कर्म, मैं क्या करता हूं, इन आंखों से इधर देखता हूं उधर देखता हूं, इधर उधर देखना नहीं, एक जगह पर स्थित प्रज्ञ का, एक जगह पर स्थिर हो। फिर पांचवा, मैं कहां से आया, परम धाम से आया, परम धाम में कौन है, शिव बाबा। कौन है वो, पूछता बुद्धि जवाब देंगे, हाँ उस दिन कल बताया था शिव बाबा हमारा बाप पवित्रता का साधन, देखो बाप कैसा और मैं बेटा कैसा, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र बन करके दिखाऊंगा, बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, बाबा मैं भी आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा, बाबा आप सबको सुख देते हो, सबका दुख दूर करते हो, बाबा मैं भी आज के बाद कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। शिव बाबा रोज आप ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान के सागर हो, जो मुझे ज्ञान सुनाते हो मैं भी औरों को आपके जैसे ज्ञान सुनाऊंगा, आपके जैसे सेवा करूंगा, बाबा आप मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हो, भाग्य विधाता हो, मैं अपना तन मन धन समय स्वास्थ्य सेवा में लगाऊंगा, औरों को भी बताऊंगा आप समय संकल्प सेवा में लगाओ, भाग्य बनाओ। शिव बाबा आप दिव्य बुद्धि दाता हो, मैं अपनी बुद्धि को इतना दिव्य करूंगा, कोई भी गलत विचार गलत कर्म नहीं करूंगा, सिर्फ बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स को ही याद रखूंगा, तो बुद्धि स्वच्छ, बाबा आपके जैसे मैं भी बुद्धिमान बनूंगा। ऐसे बाबा से बात करते रहो, आधा घंटा हो जाएगा, चलेगा, भूल जाएंगे। जो ये पांचों प्रश्न एक भी इधर उधर के विचार नहीं आया वो सत्युग में जरूर जाएंगे, अभी से पता काम लग जाएगा। जो समझते जिसके मन में कोई भी इधर उधर के विचार नहीं, मन बुद्धि ऐसे चली, वो जरूर सत्युग में जाएंगे कि मन बुद्धि स्वच्छ है ना। और जो समझते हैं एक दो विचार इधर उधर के आए, क्यों आए, अभी भी कुछ खिचड़ा है वो ऊपर जाना नहीं देता, तो उसको समझ, इसको मुझे मिटाना है, उसका विचार नहीं कर, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री है ना। नंबर वन सीधा लाइन क्लियर कहा, नंबर टू लाइन के बीच में अटक गया थोड़ा सा, नंबर थ्री ऊपर गया नहीं परम धाम तक, बीच में इधर ही रहा और कोई विचार आते रहे, माया का युद्ध करता रहा,
तो अभी आप ले लो नंबर वन, कौन लेंगे? यहां से परम धाम तक जाने का रास्ता दिखाया, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती, इधर से बात करते करते जाओ, और जो समझता मेरे अंदर एक भी इधर उधर का विचार नहीं आया, सिर्फ यही चला नंबर वन, ठीक है करेंगे, फिर बाद में जवाब बताना। ओम शांति।